हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी टू में स्वागत है। आप लोगों को जो सुबह में मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किए थे, जो कि इंटर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की आया है, उस पर एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आपको कैसे आंसर की पता करना है। तो इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स को मतलब कि ये वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था, और खुल भी रहा था तो उस पर मतलब कि किसी को चेक करने नहीं आ रहा था। तो इसमें आप लोगों को लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। तो देखिए, लाइव प्रूफ में बताऊँगा कि आप लोगों को आंसर की मतलब कैसे देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का जितने भी स्टूडेंट हैं इंटर का 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं, सभी के आंसर की आज का आज अपलोड हो गया वेबसाइट पर। जो नहीं चेक किए हैं मतलब कि चेक किए हैं तो ये वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। और इसका वेबसाइट है www.biharboardonline.bihar.government.in। इन वेबसाइट पर जाना है और आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से चले आना है, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले आपको नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद ये लेटेस्ट अपडेट जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट में जाना है। और लेटेस्ट अपडेट में जाने के बाद यहाँ पर सर्कुलर्स है, सर्कुलर्स में आप देख सकते हैं फर्स्टी में दिया हुआ है क्या कि ये पहला 8/3/2020 दिया हुआ है क्या, रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की इंटर एग्ज़ाम 2020। ये है, आपको इस पर चले जाना है। इसका वेबसाइट हो सकता है लोग काम करें, ठीक है, धीरे काम करें, क्योंकि आज सभी इस पर बहुत सारे विद्यार्थी चेक करते होंगे, तो इसलिए इसका सर्वर अभी बैठा हो, तो इसलिए धीरे धीरे काम करेगा, तो घबराने की बात नहीं है। सभी अपना अपना चेक कर लीजिए, उसमें आपको रोड नंबर और रोड कोड डालकर चेक करना होगा, ठीक है। तो हम आपको लाइव प्रूफ पर बताऊंगा। तो देखिए कैसे जाना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये इस पर धीरे धीरे ये पूरा सर्चिंग लेने लग जाएंगे, क्योंकि नेट इसका सर्वर ही डाउन है, ठीक है, नेट फास्ट चल रहा है लेकिन इसका सर्वर ही डाउन है, तो इस हिसाब से बताऊंगा, तो आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए इसका ये खुल भी गया, और ये खुल जाने के बाद इसी तरह आपको खुल जाएगा, और खुल जाने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर आएगा सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप पहला आएगा, देखिए वेलकम टू फीडबैक पोर्टल ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, और इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर हाई सेकेंडरी इंटर का, ठीक है, हाई सेकेंडरी इंटर में इस क्लिक मतलब सेलेक्ट कर देना, और यहाँ पर आप अपना रोड कोड डाल देंगे। तो यहाँ पर हम अपना रोड कोड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रोड कोड और रोड नंबर यहाँ पे है, तो रोड नंबर दोनों डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पे ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। इसका सर्वर धीरे काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसका सर्वर ओपन हो गया, यहाँ देख सकते हैं ये सर्वर हो गया, और ये यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पर जो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आपका फादर नेम, मदर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ बताएगा, रोड कोड और यहाँ पर रोड नंबर बताएगा, ये पूरा आपको ये बताएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका बताएं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अपने पापा मम्मी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा, ठीक है। मिलान लेने के बाद यहाँ पर आंसर की उसके बाद नीचे में जाना है, और यहाँ पर आपका जो जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट आ जाएगा, जो जो सब्जेक्ट लिए थे, और उसके बाद अपना सब्जेक्ट चुन लेना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम मैथिली का ही चेक करते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैथिली का ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर लिए, इसी तरह अपना अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है, मतलब कि चुन लेना है, और मैथिली यहाँ पर सब्जेक्ट हम चूज कर लिए, और मैथिली चूज करने के बाद देख लीजिए कि कहाँ गया, हाँ, मैथिली चूज करने के बाद यहाँ पर आप दूसरा आप जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर कोड रहेगा, तो अपना कोड मान लीजिए एक कोड है, तो यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिएगा, या जे है या जी है, आप जो भी है यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी प्रश्न मतलब जो भी सेट क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, और उसका जो भी, और यहाँ पर भी जो नंबर मतलब कि 30 नंबर मिलाना, तो 30 नंबर क्लिक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम ये मैथिली क्लिक कर लिए हैं, और ये आपका सभी सेट यहाँ पर अब जाने के बाद यहाँ पर सभी सेट का देख लीजिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, और यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ ऑब्जेक्टिव आंसर सीट फॉर एग्जाम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 दिया हुआ है ना, और यहाँ पर देख लीजिए, देखिए कि यहाँ पर सेट कोड ए का है, और ये सब्जेक्ट कोड 304 है, सब्जेक्ट मैथिली है, और पेपर IA का है, ये हम IA का स्टूडेंट है, और ये MB मैथिली, ठीक है। तो ये सेट कोड ए है, और यहाँ पर जितना है आपको ये इसमें कि जितना प्रश्न पूछा गया था सेट कोड ए में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर 30% पूछा गया था, तो ये देखिए 1 से लेकर 15 है और 16 से लेकर 30 है, तो इसमें 30 क्वेश्चन था, तो 30 क्वेश्चन का पूरा करेक्ट आंसर दे दिया है। इसी तरह यहाँ पर ये क्या है, तो सेट कोड बी है, ये सेट कोड सी है, तो अपने सेट कोड के अनुसार आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको बताना हो, बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यही है, आप मान लीजिए कि आपको इसमें मान लीजिए 5 नंबर ये सेट 8 का 5 नंबर आपको गलती लग रहा है, तो आप कैसे बिहार बोर्ड को अपना मेल कीजिएगा, ठीक है। तो आपको गलती लग रहा है 5 नंबर, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या जाना है, इसी तरह दूसरा अपना चुन कर मतलब चुन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हम सेट 8 का यहाँ पे आपको कोई गलत लग रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या मान लीजिए 5 में गलत लग रहा है, तो आपको 5 मतलब चूज कर लेना है। 5 करने के बाद आपको इशू यहाँ पर जाना है, और इशू में जाने के बाद क्वेश्चंस मतलब कि गलत लग रहा है या उत्तर गलत था, या मतलब आपको 5 नंबर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस गलत लगा हो, तो आप क्वेश्चंस यहाँ पर गलत बिहार बोर्ड को डायरेक्ट बोल सकते हैं, या आपको आंसर इसमें गलत बताया है तो आप आंसर के लिए बोल सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमें आंसर गलत लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो इसमें कौन 4 ऑप्शन दिया था, तो आप अपना क्वेश्चंस भी निकालेंगे, 4 ऑप्शन में से मान लीजिए उसमें 5 का ए बता रहा है, तो यहाँ पर ए ना होकर बी होना चाहिए, तो आपको इसमें आपको सही जो लगे उसको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अपना पूरा यह इंफॉर्मेशन लिख देना है, ये मतलब कि मान लीजिए 5 का मतलब जो ऑप्शन करेक्ट उसमें बताया गया वह ना होकर आपको जो करेक्ट होगा इसमें पूरा चीज़ लिख देना है। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर सेव कर देना, आपको यह बिहार बोर्ड को पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड के पहुंच जाने के बाद आपका जो प्रतिक्रिया होगा उसके बाद वहाँ से मेल आपको कर देंगे, ठीक है, या आपको मैसेज कर देंगे। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन था, तो अपने अपने चेक कर लीजिए, जिसको चेक करना नहीं आता है तो वह चेक कर ही लीजिए, जिसको जो भी प्रॉब्लम आता है वह हमें कमेंट करके बोल दीजिएगा। तो यह वीडियो अर्थात यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा वह हमें कमेंट के माध्यम से बोल दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि वह भी मिला लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।